हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे कोविड हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन अब मैं वहाँ से आ चुका हूँ और धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ और थोड़े थोड़े वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट जो है वो मुझे बिल्कुल आपका साथ चाहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 7 के बीटा अपडेट के बारे में। तो जिन यूज़र्स ने अपने फ़ोन को रियलमी 7 के बीटा अपडेट में अपडेट कर लिया था एंड्रॉयड 11 के साथ, उनको एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है जिसका कि वर्जन C.07 है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स देने वाला हूं कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है, और साथ ही हम इसके बाद बात करेंगे कि इसके स्टेबल अपडेट के बारे में कि इसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक रोल आउट हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वर्जन के बारे में। तो इसका जो वर्जन है वो है RMX 215111C.07, जिसका कि 95.77 MB का साइज़ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अपडेट लॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका अपडेट है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इसमें आपको मिल जाता है अप्रैल मंथ का सिक्योरिटी पैच। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कैमरा से रिलेटेड। ऑप्टिमाइज्ड द इमेज क्वालिटी ऑफ द कैमरा। इसमें कैमरा की इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। फिक्स्ड द प्रॉब्लिस्टिक स्क्रीन फ्लिकर इशू वाइल शूटिंग इन पोर्ट्रेट मोड। तो जब हम इससे पोर्ट्रेट मोड में शूट करते थे तो इसमें स्क्रीन फ्लिकरिंग का जो इशू आ रहा था उसको भी इस अपडेट में फिक्स किया गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सेटिंग से रिलेटेड। फिक्स्ड द प्रॉब्लिस्टिक डिस्प्ले इशू आफ्टर ओपनिंग द स्प्लिट स्क्रीन। तो जब हम स्प्लिट स्क्रीन को इसमें ओपन करते थे तो इसमें डिस्प्ले को लेकर इसमें इश्यूज थे, उसको भी इस अपडेट में फिक्स किया गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है फिक्स्ड द प्रॉब्लिस्टिक डिस्प्ले इशू ऑफ ओपनिंग डार्क मोड। जब इसमें डार्क मोड को ओपन करते थे तो उसमें भी डिस्प्ले में इशू आता था, उसको भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है फिक्स्ड द डिस्प्ले इशू ऑफ आइकॉन्स ऑन द स्टेटस बार इन सम सिनेरियोस। तो कुछ कुछ कंडीशन में जो है स्टेटस बार में आइकॉन्स को भी डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको भी इस अपडेट में फिक्स किया गया है। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड द एनिमेशन इशू ऑफ स्वैपिंग अप टू होम स्क्रीन एंड स्प्लिट स्क्रीन। तो जब स्प्लिट स्क्रीन में इसको हम स्वैप करते थे ऊपर, तो उसमें भी एनिमेशन में इसके कुछ इशू था, उसको भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है सिस्टम से रिलेटेड। फिक्स्ड द प्रॉब्लिस्टिक ऑटोमेटिक रिस्टार्ट इशू ऑफ ओपनिंग नेटफ्लिक्स। तो जब इसमें हम नेटफ्लिक्स को ओपन करते थे तो फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता था, तो उस इशू को भी इस अपडेट में जो है वो फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है फिक्स्ड द प्रॉब्लिस्टिक पावर बटन फेलियर इशू आफ्टर अपडेटिंग। तो अपडेट करने के बाद इसमें जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा था, उसको भी इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। जो कि ये तो कॉमन अपडेट है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर अपडेट में ये लिख देते हैं कि ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है और सिस्टम स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। लेकिन ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो दोस्तों, यही था इस अपडेट में, इतना ही इस अपडेट में। ये बीटा वर्जन है दोस्तों, अभी इसका स्टेबल वर्जन नहीं आया। अगर हम इसके अपडेट की बात करें, स्टेबल अपडेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि जून के एंड तक ही जो है इसका स्टेबल वर्जन जो है वो रोल आउट होना स्टार्ट होगा, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे बग्स बाकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।